हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हुए। वो ऐसे बोलता है जैसे मेरा दोस्त हो, वो ऐसे व्यवहार करती है जैसे मेरी माँ हो, वो ऐसे ट्रीट करता है जैसे मेरा बॉस हो, या फिर वो ऐसे खेलता है जैसे विराट कोहली हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। इसके तीन कंडीशन होते हैं, हम तीनों कंडीशन आपको एग्जांपल और पूरे फॉर्मूला के साथ बताने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जब सेंटेंस में मानो, मानो कि, जैसे या जैसे कि यह वर्ड आपको दिखे तो आप एज इफ इस्तेमाल करेंगे। एज इफ, ठीक है। एज इफ क्या होता है, ये एक अनरियल या इमेजिन होता है, मतलब कि जो सच नहीं होता, ठीक है, जिसको हम इमेजिन करते हैं। इमेजिन के सेंटेंस में मानो, मानो कि, जैसे या जैसे कि, अगर ये सब जुड़े हैं तो आप एज इफ से बनाएंगे। देखिए पहला कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट। देखिए दो सेंटेंस होता है, ठीक है, जैसे मैंने नीचे लिखा भी आप देख सकते हैं, दो सेंटेंस होता है। पहला सेंटेंस में आप सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद जो वर्ड है उसको लिखेंगे। अब यहाँ पर जो वर्ब लिखा है ना, ये चेंज होगा। मान लीजिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एग्जाम्पल के, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप वर्ब में ए से एस लगा देंगे, ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर यही होता है। इसके बाद एज इफ जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होगा। सेकंड सेंटेंस में आप सब्जेक्ट रखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आपको रखनी जानना है, वर्ब कोई भी सब्जेक्ट हो, इज, एम, आर, वी, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हर कंडीशन में वर्ब को रखना है। वर्ब इसलिए कि इमेजिनेशन या अनरियल कंडीशन में हमेशा वर्ब इस्तेमाल होता है। इसके बाद देखिए एडजेक्टिव या नाउन होगा। जब एडजेक्टिव या नाउन होगा तो आप ये स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए एग्जांपल, वो ऐसे बोलता है जैसे मेरा दोस्त है। अब उसके बोलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या है, वो फ्रेंड है नहीं, या अनरियल या इमेजिन किया जा रहा है कि उसके बोलने का तरीका ऐसा है कि प्रतीत होता है कि फ्रेंड है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो ऐसे बोलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहती है, पहचान होता है। ही स्पीक्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही स्पीक्स एज इफ, जैसे कि मैंने लिखा है। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस ही, उसके बाद वर, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको वर रखना है। उसके बाद क्या है, एडजेक्टिव माई और फ्रेंड नाउन, ही वर माई फ्रेंड। तो पूरा सेंटेंस हुआ ही स्पीक्स एज इफ ही वर माई फ्रेंड। सीता ऐसे व्यवहार करती है, मानो मेरी माँ हो, है नहीं, कुछ उसके बिहेवियर से प्रतीत होता है कि माँ है, यह एक इमेजिनेशन है। सीता बिहेव्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सीता बिहेव्स एज इफ सी वर माई मदर। वे लोग ऐसे खेलते हैं जैसे खिलाड़ी हो, दे प्ले एज इफ दे वर प्लेयर्स। हम लोग ऐसे रोते हैं जैसे लड़की हो, वी विप। अब देखिए ये प्लूरल हो गया तो एस एस नहीं लगा, वी विप एज वी वर गर्ल्स। राम ऐसे दौड़ता है मानो बाघ हो, राम रन्स एज इफ ही वर अ टाइगर। अब सेकंड टाइप, सेकेंड टाइप में थोड़ा सा चेंज होगा। जो सेकेंड सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव आ रहा था, अब वहाँ पर वर्ब होगा, ठीक है, मतलब कि अब कोई वर्ब मिलेगा और हम क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट वुड और उसके बाद वी वर या फिर अदर जो सेंटेंस पे आपके होंगे वो लिख देंगे, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ये तो पहले था, एज इफ के बाद आप सेकेंड जो सेंटेंस होगा उस पर सब्जेक्ट वुड और वी वर लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वैसे बात करता जैसे सब कुछ जानता हो। अब जानना जो है एक वर्ब है, ये नाउन नहीं है, इसके पहले जो था नाउन आ रहा था, यहाँ पर अब वर्ब हो गया। जैसे सब कुछ जानता हो, इसको बनाएंगे ही टॉक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि करता है और वह है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही टॉक्स एज इफ ही वुड नो एवरीथिंग, वुड के बाद हमेशा वी वर्ब। वो ऐसे बोलते हैं जैसे मुझे पीटेंगे, पीटना वर्ब। दे स्पीक एज इफ दे और बिट मी, ऐसा लगता है मानो बारिश होगी। इट सीम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट एज इफ इट और रेन, वे लोग ऐसे खेलते हैं जैसे मैच जीतेंगे। दे प्ले एज इफ दे और विन द मैच। और आखिरी टाइप में हम सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट उसका हैड और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इसके बाद जो अदर वर्ड होगा लिख देंगे। अब देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है, एज इट वैसे रहेगा, तुम ऐसे दिखते हो जैसे तुमने खाना नहीं खाया है, ठीक है। यू लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू लुक एज इफ यू हैड नॉट ईटन फूड, वे लोग ऐसे भागते हैं जैसे भूख देख रहे हो। दे रन
एज इफ दे हैड सीन अ घोस्ट। राम ऐसे दिखता है जैसे वह स्नान नहीं किया है। राम लुक्स एज इफ ही हैड नॉट टेकन बाथ। ये सारी चीजें इमेजिनेशन है, ऐसा नहीं कि रियल में, ठीक है, ये सब इमेजिन किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अब राम ऐसे दिखता है, ऐसे नहीं कि वो स्नान नहीं किया, किया होगा, लेकिन उसका लुक ऐसा है ना कि लग रहा है कि वो स्नान बाथ नहीं किया है। हम लोग ऐसे नाचते हैं जैसे मैच जीत लिए हो। वी डांस एज इफ वी हैव वन द मैच। अब आपको ऐसे सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे, अब फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।